हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ ज्योति और आप सभी का स्वागत है फूडी पाथ विद ज्योति में। आज मेरी बेटी ने मुझसे गुआवा पॉपसिकल्स बनाने के लिए कहा, तो मैंने सोचा क्यों न रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर कर ली जाए। अगर आप अमरूद के टेस्ट को पसंद करते होंगे तो ये पॉपसिकल्स आपको बहुत पसंद आएंगे। इन्हें बनाने में ज़्यादा सामग्रियों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और ये आसानी से बन जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं गुआवा पॉपसिकल्स बनाना। सबसे पहले मैं सामग्रियों के नाम बता देती हूँ। मैंने यह मसाला गुआवा जूस लिया है, आप देख सकते हैं इसमें सारे मसाले ऐड हैं। इसके अलावा 1.5 बड़े चम्मच चीनी का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच पुदीने का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस और ये पॉप्सिकल बोल्ट्स। अब एक बर्तन में गवावा जूस को निकाल लेना है। जूस निकालने के पहले जूस के पैकेट को अच्छी तरह सेक कर लेना है। मैंने 400 मिलीलीटर गवावा जूस लिया है। गवावा जूस निकालने के बाद इसमें बारी बारी से सारी सामग्रियों को डाल देना है। चीनी की मात्रा ज़्यादा या कम आप अपने अनुसार कर सकते हैं। नींबू का रस और पुदीने का पेस्ट, ये दोनों इस पॉप्सिकल के टेस्ट को बढ़ा देगा। आपने देखा कि मैंने सारी सामग्रियों को इसमें डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अगर आप प्लेन जूस का उपयोग करते हैं तो इसमें काला नमक, काली मिर्च पाउडर और भुना हुआ जीरा पाउडर ये ऐड कर सकते हैं। चूँकि यह मसाला गवावा जूस है तो इसमें सारे मसाले ऐड किए हुए हैं। मैंने सारी सामग्रियों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसे मैं मोल्ड्स में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। अगर आपके पास मोल्ड्स ना हो तो आप इसे किसी भी बर्तन में जमा सकते हैं, जैसे कांच या स्टील का छोटा गिलास। आपको मैं दिखाती हूँ। आपने देखा कि मैंने जूस को स्टील के गिलास में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसे अलमुनियम फॉइल से अच्छी तरह ढक दूँगी। अलमुनियम फॉइल से अच्छी तरह बंद करने के बाद इसके बीच में चाकू से काट देना है। आपको अपने स्टिक के हिसाब से इसे काटना है। देखिए, मैंने अपने स्टिक के हिसाब से इसे काटा है। अब स्टिक को बीच में मैं डाल दूंगी और अब यह जमने के लिए तैयार है। अब इन सबको मैं 10 से 12 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दूंगी। 12 घंटे हो चुके हैं, मैंने इन्हें फ्रीजर से बाहर निकाल लिया है। अब इन्हें मैं लगभग 1 मिनट के लिए पानी में रख दूंगी ताकि अच्छे से डिमोल्ड हो जाए। अब मैं इन्हें निकाल कर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देख सकते हैं यह पूरी तरह तैयार है। अब मैं इसी तरह सारे को निकाल लेती हूँ। आपने देखा कि इसे बनाना कितना आसान है। आप भी इसे बनाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। मैं भी अपनी बेटी के साथ इसका लुत्फ़ उठाने जा रही हूँ। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो के नीचे जाकर लाइक और कमेंट करें, मेरे लिंक को शेयर करें। तो चलती हूँ, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए। थैंक यू।